बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आकिब अनी वर्स कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं मेरा YouTube और Facebook चैनल आकिब गोल्ड रेट्स। तो आज की तारीख में हम इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करेंगे और गोल्ड के रेट के हवाले से बात करेंगे और हम जो है ना डॉलर के रेट के हवाले से बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुई 2014 के करीब करीब ओपन हुई, जिसने 2013 का लो लगाने के बाद इस वक्त मार्केट जो है वो 2015 के करीब चल रही है, जिसने 2018 का आज की तारीख में हाई लगाया है। और आज की तारीख में गोल्ड की सपोर्ट रहेगी $2000 फी औंस और इसकी रेजिस्टेंस होगी $2030 फी औंस, और जबकि इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव और वॉलेटाइल है। और आज की तारीख में जो डेटाज है वो 8 बजे जो है USA का CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, उसके अलावा USA रिच माउंट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, उसके अलावा USA FOMC मेंबर गोल्स भी की स्पीच है, और उसके अलावा 8:05 पे USA के FOMC मेंबर वॉलर की स्पीच है। फिर उसके बाद है 9:15 USA के FOMC मेंबर मोबेन की स्पीच है। तो ये जो स्पीचेस हैं इनकी वजह से मार्केट जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा जो है फिर 9:00 यूरोप की ECB प्रेसिडेंट की स्पीच है। फिर 11:05 पे USA FOMC मेंबर हैं बार, उनकी स्पीच है। तो ये कुछ स्पीचेस हैं जिनकी वजह से जो है आज की तारीख में मार्केट जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। दूसरी जो हमारे लोकल न्यूज़ है उसके हवाले से भी कुछ आपसे एक मैंने न्यूज़ शेयर करनी थी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को $18 करोड़ का कर्ज देने की मंजूरी दे दी है। ये एशियाई बैंक है जिसने $18 करोड़ जो है वो पाकिस्तान को मंजूरी दे दी है, जिसकी वजह से जो है आने वाले वक्त में डॉलर का रेट जो है मज़ीद नीचे आएगा। लेकिन ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, क्योंकि $18 करोड़ जो है वो आटे में नमक है, इतना कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि डॉलर आ रहे हैं तो फिल वक्त जो है ना इस वक्त हमें ऐसा ही महसूस होता है कि डॉलर का रेट जो है वो कुछ नीचे आएगा, लेकिन फिर बाद में दोबारा से ये वापस अपना रोल बैक कर सकता है। और इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से एक आपसे ख़बर शेयर करूँगा, जो कि काफ़ी टाइम से आप देख रहे थे कि गज़ा के अंदर जो है ना एक इसराइल और गज़ा का एक फैक्टर जो बहुत ज़्यादा कशीदी इख्तियार कर गया था, उसके हवाले से न्यूज़ है। गज़ा में जंग बंदी का मुआहदे में 2 रोज़ा की तौसी हो गई है, और ये जो है तौसी जो है इसका ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो इस जंग बंदी को मुस्तकिल तौर पर जो है ना जंग बंदी में मुस्तकिल तौर पर तब्दील होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। चूँकि जो इंटरनेशनल मार्केट है वो इस बुनियाद के ऊपर ऊपर गई थी कि हमारा जो है ना इसराइल और फ़लस्तीन का फैक्टर था, इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट ऊपर गई थी। तो इसकी जो बुनियादें हैं वो इस वक्त इसके ऊपर खड़ी हुई हैं। तो नज़र ये आ रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट जो है फिल वक्त अपने जो नुकसानात हैं उसको कवर कर रही है, और फिर उसके बाद मार्केट जो है ना अपनी रिट्रेसमेंट लेगी और वो वापस आएगी, रोल बैक होगी। लेकिन इतनी जल्दी रोल बैक नहीं होती, ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि एक होता है बायर जो लोकल फिजिकली तौर पर सोने की ट्रेडिंग करता है, दूसरा होता है जो ऐप के थ्रू और ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। वो लोग जो है वो भी हमारे जो है ना बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए भी एक जो है ना सिनेरियो होता है, उनको भी एकदम से नीचे नहीं लेके आते मार्केट। तो मार्केट आएगी जरूर नीचे, लेकिन इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगी। ये गई है जंग की वजह से नीचे ऊपर गई है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएगी। तो दूसरा, मेरी व्हाट्सएप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारी व्हाट्सएप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के गोल्ड के रेट के जानिब। आज की तारीख में गोल्ड का रेट है, पीस का रेट है 2,19,000 रुपये, और रवे का पठोर का रेट है 2,17,000 रुपये, और 18 कैरेट फी तोले का रेट है 1,62,750 रुपये, और 21 कैरेट फी तोले का रेट है 1,89,875 रुपये, 22 कैरेट फी तोले का रेट है 1,96,650 रुपये, और इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त $2015 फी औंस के करीब खड़ी हुई है, और इंटरबैंक में डॉलर का रेट है 286.65 पैसे, जो कि माइनस हुआ है 10 पैसे। ओपन मार्केट में 290 रुपये का डॉलर है, और चांदी का फी तोला रेट है 2,590 रुपये फी तोला, और इस वक्त पेशावर में पक्के तोले का रेट है 2,28,125 रुपये। पक्का तोला होता है 12 ग्राम 150 मिली का, और इंटरनेशनल तोला होता है 11.664 मिली का, ये इंटरनेशनल तोला होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।